राष्ट्र को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि गुरुओं गेरुआ वस्त्र वाले आतंकी हैं और साधु संतों कीड़े मकोड़े हैं, जिसको लेकर सियासत तेज है। और इसी को लेकर संजय निषाद ने जनता टीवी से खास बातचीत की। रामचरितमानस को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की, इसके बाद कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन इस बार फिर एक बार गियर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि गेरुआधारी जो हैं वो आतंकी हैं और जो साधु संत हैं सबके सब कीड़े मकौड़े हैं। इस पर खास बातचीत करें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के संजय निषाद जी, इनसे बातचीत करेंगे। संजय निषाद जी, ये क्या बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा नहीं रहे, छोटे भाई के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर, जो भी हो, कह रहे हैं कि हिंदुत्व में जितने भी गेरुआधारी वो सब आतंकी हैं और जो बागेश्वर धाम को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं वो सब कीड़े मकौड़े हैं। क्या जिस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, क्या समाजवादी पार्टी को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? कबर खोद रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का। नाराज तो आप भी हो जाते हैं जब टिकट में थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है। नहीं नहीं, हम अपने मुद्दों के लिए नाराज होते हैं, किसी धर्म पर नहीं। आपका एक तो बयान विवादित माना जाता है ना, जो प्रयागराज में दिए थे कि दशरथ के पुत्र नहीं है राम। मैंने उसमें काट छांट कर उसका बयान मैंने दे दिया था और मैं 24 घंटे भगवान राम दशरथ के ही पुत्र है ना, भगवान राम और निषाद राज, इसी कहां से भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगे मूर्ति है, कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ मैंने पहुँचा रहे हैं हमारे लोग, तो इसको उसको मुद्दा नहीं बनाया जा। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में धर्म के खिलाफ बोलने वाले को अधर्मी कहा जाता है, और जो कह रहे हैं कि आज के दिन में बोल रहे हैं तो उसकी जनता ने बोलती बंद कर रखी है, और देखिएगा जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो उसके लिए चर्चा करना बेकार है। वो खाली सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि जब से राजनीति में आए हैं, चाहे बसपा में रहे हों, चाहे भाजपा में रहे हों, चाहे आज सपा में, कभी कोई एक लाइन का कार्य किए हों अपने समाज के लिए या जिसके लिए उन्होंने आज बयानबाजी कर रहे हैं उनके लिए कोई एक लाइन का कानून बनवाए हैं तो उसे बोलना चाहिए। जैसे डॉक्टर संजय बोलते हैं कि मछुआ कल्याण कोष के हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं आप, मछुआ कल्याण कोष हो गया, निषाद राज, वो ठीक है आपका कल्याण कोष करिए आप, लेकिन कहने का मतलब हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं जिस तरीके साधु संत इस समय समर्थन कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ कर लीजिए तो मुसलमान को छोड़कर सारे लोग, आप भी आए हैं, आप भी बटन दबाएंगे कि हम हिंदू हैं, और हिंदू आखिर जब कालम भरा जाता है किसी जगह, कोई भी जैसे आपने मेरा मन पढ़ लिया, पूछना चाहता हूँ कोई भी मन कैसे पढ़ लिया, कि कोई भी ऐसा नहीं आया फार्म देश में कि जब जांच होता है उसमें कालम है कि आप कौन सा धर्म है, तो सब हिंदू लिखते हैं, मुसलमान लिखते हैं, सिख लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से धर्म के? मैं कह रहा हूँ क्या लिखते होंगे लिख दीजिए उसमें कौन सा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े भाई के तौर पर आपके साथ भी रहे, भाजपा में भी सहयोगी के तौर पर रहे, आपको क्या लगता है कि वो बौद्ध है या हिंदू है? जब तक वो मलाई खाते रहे, बौद्ध धर्म ऐसे थोड़ी कहता है कि किसी को गाली दीजिए, किसी को अपशब्द कहिए या किसी धर्म के खिलाफ बोलिए। वो कह रहे राम राज्य में आरक्षण का सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है। असली बौद्धिस्ट हैं जो चीवर पहने हुए हैं, अगर चीवर पहने हुए कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ बोलता हो तो बताइए नकली। सुनिए ना, वो कह रहे आरक्षण का घोटाला हो रहा है राम राज्य में, निषादों के आप भी हैं नेता, आपको लगता है कि आरक्षण अगर हो रहा है घोटाला, तो अनुप्रिया पटेल जो है दिल्ली से बैठ के पत्र लिख रही है, तो आप अपनी सरकार में है, सरकार से बात क्यों उठा रहे, अनुसूचित जाति जनजाति की बात। सरकार में है जब मैं घोटाला उजागर कर रहा हूँ तब ये चिल्लपो मच रहा है। घोटाला कब हुआ? 850 मछुआ पद था, 850 मछुआ पद को खत्म कर दिया सपा ने, उसमें उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। जब उर्दू अनुवादक भर्ती हो गए तो निषादों के नौकरी कौन घोटाला किया है? समाजवादी पार्टी ने घोटाला किया। मैंने जब उजागर बोलना शुरू कर दिया कि नहीं ये मछुआ पद हटाकर इन्होंने उर्दू अनुवादक भर्ती करके मछुआरों के साथ अन्याय किया है, अब हम फिर मछुआ पद भर्ती कर, तो आज के दिन में कैसे घोटाला होता है, इससे बड़ा जीतता जागता किसी भी। इनकी 30 साल से सरकार थी, किस बिरादरी के लोग नजर आते हैं आपको, देखो हम तो खोजते रहते हैं, अब निकलता भर्ती तो हर बिरादरी लोग इसमें नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी तो हर पदवी में निकाल के कहती है सबसे ज्यादा ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, सबके सब गायब हैं और आपको सर बिरादरी नजर आ रही है। कहते हैं अभी आप जाओ थाने में कौन है, आप देखो कोई निषाद हो तो बताए, किसी थाने में को सिपाही एक को दरोगा बताए, मैं अपनी बात करता हूँ, कोई बताए कौन दरोगा हो, किसी विभाग में चले जाए ब्लॉक पर, देखो चपरासी मेरे बात नहीं है, कचहरी में चले जाए मेरी बिरादरी कोई चपरासी भी नहीं है, तो काहे 18 का दर्द है या बस बता रहे हैं। 18% आबादी का नौकरी कौन खाया, पिछली सरकारों ने खाया ना। सुनिए तो ये मैं पूछ रही हूँ कि ये जो कहेंगे ना निषादों का नहीं है, चौकी थाने में नहीं है, तहसीलों में नहीं है, कोर्ट में नहीं है, कचहरी में नहीं है, ये बता रहे हैं या दर्द बयां कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दर्द यही है कि पिछड़ों के नाम पर इन्होंने लिया, बसपा ने कहा सबका साथ,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिसाब मैंने बटन दबा दिया। लेदरमैन वाशरमैन फिजर 1991 तक हमारी मझवार में गिनती होती थी, मझवार में हमारे लोग अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र पाते थे, इन्होंने हमारी पुकारू जातियों को इन लोगों ने ओबीसी में डलवा दिया, फिर ये निकाल के जब पावर नहीं था तो डलवाना नहीं चाहता हमारी जाति को। आपका कौन सा पावर बढ़ गया? अमित शाह को आपने बुलाया, जनसभा कराया, निषाधु का आरक्षण नहीं दिलाया, ज्ञान मत दीजिए जनता, निषाधु का आरक्षण क्यों नहीं दिलाया? पूरी बात जाने दीजिए, जब ये पिछड़ी निकालते रहे बहन जी स्टे लेती रही, 30 साल से हम लोगों को लटकू राम बना के सारी नौकरी झटक लिया, तो ऐसे घोटालेबाज है ना इसी। भाजपा में लटकू राम नहीं है, आप ये बता दीजिए। आज के दिन में हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, आज दिन में पहली बार है कि 18 जनवरी 2022 को पहली बार 70 साल में जहां से सिस्टम से जाना चाहिए आरजीआई की टेबल पर मैं पहुंचा हूं, वही सरकार की देना, उसको लिखना पड़ा कि 1961 में गिनती केवट मल्लाह की अनुसूचित जनजाति में हुई थी, मझवार में हुई थी, और इनका मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आज इस सही दिशा में जा रहे हैं कि 70 साल से क्यों उजलाए थे, इनसे पूछिए 2004 से 2014 तक केंद्र में सरकार थी, हमारी फाइल मुकुल वासनी शैलजा ने कैसे गायब करा दी, ये उनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, हमने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, मैं इसीलिए लिखा दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए लिखा गया, इनके जो फाइल चोरी होती हमारे जो मुकदमा हो रहा निश्चित रूप से फाइल खोल के आएगी, इनके आरक्षण की फाइल चोरी इन लोगों ने कराई है, जब फाइल आ जाएगी निश्चित रूप से डिसीजन होगा, टाइम लगता है, इन लोगों ने हम लोगों को बर्बाद किया, आबाद होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 70 साल में 70 गुना उल्झाया हमें सुलझा लेंगे। मतलब कांग्रेस बसपा सपा सब चोर है, बाकी सब भाजपा साफ है, और दूसरे नहीं ये 2024 से पहले पर निषाधु का आरक्षण दिलाने में सफलता हासिल करेंगे? देखिए संघर्ष कहा जाता है ना, संघर्ष जो होता है वो सफलता का सतत प्रयास होता है, निश्चित रूप से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, समाज मेरे साथ है, सबके साथ रह के देख लिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी के साथ रह के, निषाद पार्टी अलग पार्टी है अपने साथ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि जिस तरीके से धारा 370 मैंने खत्म किया 70 साल में, जिस तरीके राम मंदिर बनाया उसी तरीके से इन जातियों के समस्याओं का भी समाधान करेंगे, समय आने दीजिए निश्चित रूप से होगा, वेट एंड वॉच करिए, दर्द बहुत है 70 साल से वो पूरा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत में कहा मुसलमान राष्ट्र बनेगा, हम कहते पूछ लीजिए क्या चाहते हैं सब लोग, सर्वे करवा लीजिए, निरपेक्ष देश है ना, नेहरू जी बना के गए कि धर्म निरपेक्ष है, आप कह रहे हैं मुसलमान राष्ट्र बनेगा, इन्होंने धर्म निरपेक्ष बनाया था तो कश्मीर को अलग क्यों किया था, कश्मीर को भी धर्म हाँ वो अलग था, वो तो विशेषाधिकार पाया था, 370 लगा के क्यों किया बर्बाद, हिंदू मुसलमान की राइट तो उसी से होता था, अब काहे ने हिंदू मुसलमान राइट हो रहा है, अब काहे ने तलवार लेके कोई भाज रहा भाई, अब क्यों बर्बाद, अब तो सभी तलवार के बल पर सब लोग जो है धर्म परिवर्तित कराते हैं, आज हम उस तलवार के बल पर धर्म परिवर्तित बंद करा रहा हूँ तो कौन सा करता है। जो कीड़े मकोड़े कह रहे साधु संत उनको तो कुछ कह दिया जवाब, साधु संत जनता देगी, अभी चुनाव होने वाला है, अभी नगर निगम में दिया है जनता ने, अभी देगी लोकसभा में। ये थे संजय निषाद, संजय ने कहा खरी खरी, इनका साफ तौर पे कह रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलेंगे, वो खुद बिल में घुसे हुए हैं, और साफ तौर पे देखा जाए तो आरक्षण की बात की सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सबका कल्याण करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और ये बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा क्या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, सबके साथ मैं जैसी लखनऊ।